हाय, मैं वर्षा वारसी और वेब दुनिया 18 साल कंप्लीट कर दिया, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई होप आप लोग और 18 20 100 साल तक करते रहे, लगे रहे इस तरह और हमारी बातें होती रहे। नमस्कार, बॉलीवुड की खबरों में आपका स्वागत है। शाहरुख खान की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही हैं और कहने वाले तो कह रहे हैं कि उनका वक्त अब बीत चुका है, उनके स्टारडम में पहले जैसी बात नहीं है। इस मसले पर शाहरुख फिलहाल चुप हैं क्योंकि वे इस बात का जवाब एक हिट फिल्म के जरिए देना चाहते हैं। शाहरुख खान इस समय आनंद एल राय के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसमें वे बूने बने हैं। ये फिल्म 2018 के क्रिसमस पर रिलीज करने की घोषणा की गई है। इस फिल्म से टक्कर लेंगे सुशांत सिंह राजपूत। उनकी फिल्म केदारनाथ को इसी सप्ताह में रिलीज करने की घोषणा की गई है। इससे चर्चा चल पड़ी है कि क्या सुशांत को किंग खान से डर नहीं लगता, क्या शाहरुख से अब नए हीरो भी नहीं डर रहे हैं। गौरतलब है कि शाहरुख की फिल्मों को लगातार चुनौती मिल रही है। उनकी रईस के सामने ऋतिक काबिल ले आए थे, उनकी दिलवाले के सामने रणवीर की बाजीराव मस्तानी रिलीज हुई थी। वैसे सूत्रों का कहना है कि 2018 क्रिसमस में अभी काफी समय है और इसमें बदलाव भी देखने को मिल सकता है।